Children and welcome to Sarita Ma'am's class. Today we are going to learn about some sentence structure. ठीक है, sentence structure sentence बनाने में बहुत help करता है और ये structure हमें बताता है कि exactly हमें sentence कौन से order में रखना है. ठीक है ना, हमको पता है कि भाई sentence बनाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए. तो सबसे पहले sentence बनाने के लिए हमें चाहिए noun या pronoun, और noun और pronoun है उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट. ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड सब्जेक्ट. ओके, और दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमें सेंटेंस बनाने के लिए, तो चाहिए हमें वर्ब, और वर्ब को हम क्या कहेंगे, एक्शन वर्ड्स. ओके, एंड नाउ द लास्ट थिंग, ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन. ओके, सो लेट अस लर्न हाउ टू मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो सबसे पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हम सीखने वाले हैं वो है सब्जेक्ट और वर्ब का. ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का स्ट्रक्चर हम सबसे पहले सीखेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, नाउन या प्रोनाउन रखना है. तो चलो हम नाउन या प्रोनाउन रख लेते हैं. तो सपोज, तो आज हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे. ठीक है, देखो मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, नाउन प्रोनाउन. ठीक है, उनके कुछ कार्ड्स हैं, तो अभी मैंने सिर्फ क्या लिया है, प्रोनाउन लिया है. ठीक है, तो अब हम प्रोनाउन सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं. चलो, तो मेरे पास ये तीन प्रोनाउन है, चलो तीन में से कोई एक प्रोनाउन हम लेते हैं. चलो हमने लिया यू. ठीक है, यहाँ से हमने लिया यू. ठीक है, तो अब यू से हम सेंटेंस बनाएंगे. हमने यहाँ पे रखा यू, अब हमें क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए. ठीक है, तो कम ऑन, लेट अस फाइंड आउट वर्ब. सी, आई एम हैविंग सम कलेक्शन ऑफ वर्ब्स. मेरे पास कुछ वर्ब्स के कलेक्शन है, तो चलो मैं इसमें से कोई भी वर्ब ले लेती हूँ. ठीक है, चलो मैंने लिया बात. ठीक है, तो देखो सेंटेंस हो गया मेरा, क्या बना सेंटेंस, कैसे बना, सी यू बात. ठीक है, अब अगर मुझे दूसरा सेंटेंस बनाना है तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मैं यहाँ पे वर्ब चेंज कर दूँगी. तो यू कम. ओके, उसके बाद क्या होगा, यू स्लीप, you go, you give, you see, you want, you play, you drink. ठीक है, और चलो अब हम हमारा जो verb है, जो हमारा noun है वो भी हम change कर देते हैं. चलो you की जगह पे मैंने रखा है यहाँ पे we. ठीक है, अब हमने यहाँ पे we रख दिया, तो we से भी हम इतने ही वर्ब से सेंटेंस बना सकते हैं. कैसे, तो वी ड्रिंक. ठीक है ना, वी प्ले, वी वॉन्ट, वी सी, वी गिव, वी गो, वी स्लीप, वी कम, वी बात. देखा, तो कितना इजी है सेंटेंस बनाना, है ना. ये हमने बनाए थे प्रोनाउन से. चलो एक प्रोनाउन और लेते हैं हम, सी आई. ठीक है, आई बात, आई वॉन्ट, आई कम, आई स्लीप, आई गो, आई गिव, आई सी, आई प्ले, आई ड्रिंक. ठीक है, तो देखा हमने किसकी हेल्प से सेंटेंस बनाए, हमने बनाए प्रोनाउन और जो हमारे पास वर्ब है उनकी हेल्प से हमने एक बहुत सारे सेंटेंस बनाए. ठीक है ना, तो देखा कितना इजी है सेंटेंस बनाना. ठीक है, तो हमने ये जो फर्स्ट पैटर्न स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए या तो नाउन या तो प्रोनाउन. ठीक है, हमने प्रोनाउन लिए थे, और हमें क्या चाहिए, वी नीड वर्ब, दैट मीन्स एक्शन वर्ड. ठीक है, तो हमने एक्शन वर्ड लिए थे. चलो अब इसी पैटर्न से दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, हम नाउन की हेल्प से बनाएंगे. ठीक है, अभी हमने प्रोनाउन लिया था, नाउ वी विल मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ नाउन. ठीक है, देखो मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है नाउन्स के. देखो, पापा, मदर, नेहा, फ्रेंड, ओके, राहुल, ब्रदर, गर्ल, आंटी, टीचर. ठीक है, तो ये सारे, तो अभी हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए नाउन. ठीक है, चलो तो हमारे पास देखो कितने सारे कलेक्शन है नाउन के. अब इनमें से हम कोई भी एक नाउन उठाते हैं. ठीक है, तो चलो
अब मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जो रखा है टीचर, ठीक है, टीचर इज़ अ नाउन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक नाउन लिया, अब मुझे टीचर के साथ जो एक्शन वर्ड आएगा हमें वो एक्शन वर्ड चूज़ करना है, ठीक है। चलो अब हम लेते हैं एक्शन वर्ड, चलो मैंने लिया प्ले, ठीक है। तो टीचर प्ले, टीचर प्ले ऐसा होगा नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि टीचर कौन है? टीचर थर्ड पर्सन है ना। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन नाउन के साथ हम खाली ऐसे ही हम वर्ब नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम थर्ड पर्सन नाउन के साथ हम वर्ब रखेंगे तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा वर्ब के साथ? अकॉर्डिंग टू नाउन हमें वर्ब के साथ ऐड करना पड़ेगा एस और ई एस, ठीक है। जब भी हम थर्ड पर्सन नाउन का कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो हम ऐसे ही एक्शन वर्ड नहीं रख सकते, हमें ये एक्शन वर्ड के साथ क्या लगाना पड़ेगा? अब यहाँ पे प्ले है, ठीक है, तो प्ले के साथ क्या जाएगा? एस जाएगा कि ई एस जाएगा? एस, वेरी गुड। तो हम यहाँ से एस उठा के यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया? प्लेस, क्या हो गया? प्लेस। तो टीचर प्लेस, ठीक है। अब हम और बनाएंगे, अभी देखो टीचर ड्रिंक के साथ क्या लगाया हम? तो टीचर ड्रिंक्स, ठीक है। फिर टीचर सीज, फिर आएगा टीचर गिव्स। नाउ सी हियर इज गो, ठीक है। अभी गो आया तो हमने सिंगुलर और प्लूरल के रूल सीखे थे ना, ओ के साथ क्या आता है? एस आता है कि ई एस आता है? यस, वेरी गुड, ई एस। तो हम गो के साथ क्या लगाएंगे? ई एस। तो क्या हो गया? टीचर गोज, जी ओ ई एस, गोज, ओके। तो टीचर गोज, ठीक है। एंड टीचर, अभी हम नेक्स्ट वर्ब लेंगे टीचर स्लीप। अभी स्लीप आया है तो प के साथ हम ई एस नहीं ऐड करेंगे, तो हम ये इसको निकाल देंगे, ठीक है। टीचर स्लीप्स, टीचर कम्स, टीचर वॉन्ट, ओके। सो इस तरह से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। नाउ लेट अस मेक यूज ऑफ अनदर, हम अनदर नाउन लेते हैं, ठीक है। चलो अब मैंने क्या लिया? अब मैं राहुल, ठीक है, अब मैं राहुल, तो राहुल बाथ्स, राहुल वॉन्ट्स, राहुल कम्स, राहुल स्लीप्स, ठीक है। हम एस लगाएंगे, एस लगाना नहीं भूलना है हमें, क्योंकि राहुल क्या है? राहुल है नाउन, और नाउन थर्ड पर्सन नाउन है। कौन सा नाउन है? थर्ड पर्सन नाउन है। इसलिए हम, अब यहाँ पे क्या आया है? गो, तो ओ के साथ क्या आएगा? एस आएगा? नहीं, तो क्या आएगा? ई एस, तो गोस, राहुल गोस। चलो अभी हम इसको गो को ले लेते हैं। अब राहुल गिव्स, तो यहाँ पे ई आया है इसलिए हम ई एस नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे? एस, तो राहुल गिव्स, जी आई वी ई एस, ठीक है। हम वर्ब के साथ क्या ऐड करते हैं? एस ऐड करते हैं जब हम थर्ड पर्सन नाउन लेते हैं तब, ओके। नाउ राहुल सीज, राहुल ड्रिंक्स, राहुल प्लेस, ठीक है। तो देखा कितना इजी है सेंटेंस बनाना, है ना, कितना इजी हो गया हमारे लिए सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो भाई अब आप बताओ, आप मुझे बताइए कि सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए। चलो अब मैं इसको निकाल देती हूँ, ठीक है, अब मैं इसको निकाल देती हूँ, हम इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। चलो अभी नाउ यू विल टेल मी के वॉट थिंग्स वी नीड टू मेक अ सेंटेंस। अब हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए भाई? तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक नाउन। सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए एक नाउन, और क्या चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए? हमें चाहिए वर्ब। ने लिया नेहा सीज, ठीक है। अभी नेहा, तो सी के साथ क्या आएगा? एस, तो नेहा सीज, ठीक है। चलो अभी हम इसको हटा देते हैं, अब हम फिर से सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाते हैं? चलो नेहा सीज, ठीक है,
नेहा सी. ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे.